नमस्कार दोस्तों, मैं उदित उपाध्याय आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज मैं जिन पंक्तियों का पाठ करने जा रहा हूँ, ये पंक्तियाँ राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र नामक खंड काव्य से ली गई हैं। इन पंक्तियों में दिनकर जी ने युधिष्ठिर, जो कि पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता थे, उनकी क्षमाशीलता पर कुछ टिप्पणी करी है। साथ ही साथ जो प्रभु श्री राम ने समुद्र से मार्ग देने के लिए प्रार्थना करी थी, 3 दिन तक जिन्हों प्रभु श्री राम ने प्रार्थना करी थी समुद्र से कि उन्हें और उनके साथियों को रास्ता बतलाएं, उनको मार्ग बतलाएं ताकि वे लंका जा सकें, परंतु 3 दिन की प्रार्थना करने के बाद भी समुद्र देवता उपस्थित नहीं हुए। तब प्रभु श्री राम ने जो अग्नि बाण धनुष पर चढ़ाया था और समुद्र की ओर निशाना लगाया था, तब समुद्र देवता उपस्थित हुए थे, उनके शरण में आए थे। उन्हीं को कुछ पंक्तियों के सहारे दिनकर जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है और उसी का मैं पाठ करता हूं आज। चलिए शुरुआत करते हैं। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहां कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। 3 दिवस तक पंत मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सिंधु दे दर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। धन्यवाद।